तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में 30 प्रेडेटर ड्रोन की जो डील है वो काफी ज्यादा लंबे समय से चली आ रही है और कई बार खबरें निकल के सामने आ चुकी हैं कि यह जो डील है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। साथ में अमेरिका की कंपनी जनरल एटोनॉमिक भी भारत को इस ड्रोन की तकनीक देने को तैयार थी, परंतु अभी भी इस ड्रोन के ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, जिसके कारण से भारत को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन की आवश्यकता है। और इसी बीच भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अडानी एलेबल सिस्टम की तरफ से भारत को अपने स्वदेशी ड्रोन हर्मीज 900 की पेशकश की गई है। वैसे आप सभी को बता दूं कि जो हर्मीज 900 ड्रोन है वो प्रेडेटर ड्रोन जितना ताकतवर तो नहीं है, परंतु जो इसकी क्षमताएं और इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो प्रेडेटर ड्रोन के समान ही हैं। और यहां पर अडानी एलेबल सिस्टम का यह कहना है कि भारत के लिए हम प्रेडेटर जैसे अधिकतम ऊंचाई में उड़ने वाले और काफी ज्यादा समय तक आसमान में उड़ने की क्षमता रखने वाले ड्रोन बनाने में सक्षम हैं और इसको हम अपने हर्मीज 900 के एक स्केल मॉडल के तौर पर ही डेवलप करेंगे, जिसका आधार हर्मीज 900 होगा और इसी के माध्यम से भारत की अडानी डिफेंस भारत के स्वदेशी प्रेडेटर ड्रोन को बनाकर तैयार कर देगी। वैसे दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में $3 बिलियन का सौदा है, जिसमें हमको मात्र 30 प्रेडेटर ड्रोन मिलेंगे और यदि भारत अपने स्वदेशी प्रेडेटर ड्रोन के साथ जाता है तो $3 बिलियन के अंदर कम से कम 100 से लेकर 120 की संख्या में स्वदेशी लड़ाके बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनको भारत की कंपनी अडानी डिफेंस और इजरायली कंपनी एलबिल्ट सिस्टम की तरफ से ज्वाइंट रूप से डेवलप किया जाएगा। और इस प्रकार से अमेरिका की बजाय इजरायल और भारत की स्वदेशी कंपनियों का जो सौदा है वो भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस डील से भारत ड्रोन क्षेत्र के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत सरकार को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए या फिर अमेरिका से $3 बिलियन के अंदर ड्रोन लेने चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।